किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया जर्मनी 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, सोमवार को डेली हम एक लाइव सेशन लेकर आते हैं जिसके अंदर आपको टॉप 15 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया जाता है। तो आज की हम गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए लेकर आ गए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। जो कैंडिडेट जिस जॉब के लिए एलिजिबल हो फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें। लास्ट डेट वगैरह फीस वगैरह सब कुछ हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब से। उससे पहले बताना चाहूँगा, डेली सोमवार को आपको हर साप्ताहिक आपको जितना भी रोजगार समाचार आता है वो सारे डिटेल में इस वीडियो में मिल जाता है। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला आता है आपका भारती कॉलेज। भारती कॉलेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है। पोस्ट आपकी 11 है, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, आपके अकाउंटेंट्स ऑफिसर, अदर पोस्ट है। 10th पास 12th पास वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन प्लस आपको टाइपिंग, आपको 10th और 12th के साथ आपको टाइपिंग चाहिए भाई। पीजी एंड अदर्स जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम एज इसके अंदर 35 साल रखी गई है। लास्ट डेट इसकी 13 नवंबर है। 0 से लेकर ₹500 तक इसकी फीस है। 818,000 से लेकर ₹1,82,400 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। बता दो इसके अंदर ऑल इंडिया में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली गवर्नमेंट जॉब्स की हम बात करते हैं, तो अगली गवर्नमेंट जॉब आती है आपकी PSSB की तरफ से, यानी पंजाब सिविल सिलेक्शन बोर्ड बोर्ड की तरफ से आती है, जिसके अंदर बता रहा हूँ आपको 2800 यानी 2700 आपकी 90 पोस्ट के अंदर कहता है। कलरक आईटी आपका कलरक अकाउंटेंट, जिसके अंदर आपको बता रहा हूँ ग्रेजुएशन चाहिए आपको, ओ लेवल होना चाहिए, BSc आपको, BTech आप ग्रेजुएशन, PG डिग्रोमा, अलग अलग आपके लिए जो पोस्ट रखी गई है उनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन इसके अंदर रखी गई है। इसके अंदर एज बता रहा हूँ 18 से 37 साल इसकी एज रखी गई है। आपकी लास्ट डेट 18 नवंबर है कलरक के लिए, 15 नवंबर है कलरक और IT अकाउंटेंट्स के लिए। ₹200 से लेकर ₹1,000 तक इसकी फीस रहने वाली है। ₹19,000 पर मंथ आपकी बेसिक पे, साथ में आपको अदर पे आपको इनके अंदर मिलेंगे भाई, ठीक है ना। फिर आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है, जिसके अंदर 15 बैंकिंग एसोसिएट की आपको वैकेंसी चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए इसके अंदर ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है। 20 से आपका 30 साल एज रखी गई है। 17 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 0 से लेकर ₹800 तक इसकी फीस रखी गई है। 17,900 से लेकर ₹47,920 तक इसकी आपकी सैलरी मिलने वाली है। फिर आती है आपके उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, UPPCL की तरफ से वैकेंसी आती है, जिसके अंदर 286 आपकी जूनियर इंजीनियरिंग, आपके असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा बीटेक आपके लिए, जो डिप्लोमा और बीटेक चाहिए इनके लिए, BT1 आपके 18 से यानी कि एज लिमिट इसमें 18 से 40 साल रखी गई है। और आपको बता दूं जूनियर असिस्ट आपके जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपके 21 से 40 साल आपको रखी गई है। अप्लाई डेट लास्ट डेट सुन लीजिए, 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। आपके बता रहा हूँ ये अप्लाई फीस ₹1,200 से लेकर ₹1,180 तक अप्लाई फीस रखी गई है। 44,900 से लेकर ₹60,000+ इसके अंदर सैलरी रहने वाली है। फिर आती है आपकी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आ रही है, जिसके अंदर 708 पोस्ट लगी गई है। ड्राइवर, पियोन, वॉचमैन, वाटर एजेंट, माली और स्वीपर की पोस्ट है। 8वीं पास वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, 10th पास वाला अप्लाई कर सकता है। प्लस आपके पास यदि ड्राइवर से अप्लाई करते हो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 18 से 40 साल एज रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 साल फीमेल के लिए एज रखी गई है। लास्ट डेट अप्लाई डेट बता रहा हूँ 9 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक इसके अप्लाई होंगे। ₹116 से लेकर ₹216 तक इसकी फीस रखी गई है। सैलरी अच्छी खासी मिलती है भाई, 40,000+ सैलरी मिलती है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है आपकी राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है,
कांस्टेबल जनरल, कांस्टेबल टेलीको और टेलीको ऑपरेटर, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल बैंड की तरफ से वैकेंसी आ रही है। एलिजिबिलिटी रखेगी आपकी 10वीं पास और 12वीं पास। आपको 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में मेल, और आपको 2 जनवरी 1990 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट इसकी 10 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर रखी गई है। अप्लाई फीस 400-500 रुपये रखी गई है, जिसके आप डिटेल में बता रहा हूँ। 400 रुपये आपकी जो आपके राजस्थान जनरल के आते हैं वो जनरल, और आपके जो राजस्थान में ओबीसी वगैरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है जिनके आपकी 2,50,000 से आय कम है, उनका 400 रुपये, बाकी के लिए सबके लिए 500 रुपये रखी गई है। लेवल 5 के अंदर सैलरी मिलती है 35,000 रुपये प्लस सैलरी मिलती है भाई। हिमाचल, आपका हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्किल की तरफ से वैकेंसी आ रही है, हिमाचल डाक विभाग की तरफ से वैकेंसी आ रही है। 18 पोस्ट रखी गई है, जूनियर आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी रखी गई है भाई, बता दूँ आपको, अच्छी खासी वैकेंसी इसके अंदर रखी गई है, तो आप ध्यान से देखना। इसके अंदर बता रहा हूँ 18 वैकेंसी रखी गई है, 18 से 30 साल इसके अंदर एज रखी गई है, यानी 18 से 27 साल है सॉरी। आपको 10वीं प्लस, आपको 12वीं पास प्लस स्पोर्ट्स का क्वालिफिकेशन होना चाहिए भाई। 400 रुपये आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएससी और 100 रुपये SC ST वुमेन PH कैंडिडेट के, 18,000 से लेकर 81,000 रुपये पर मंथ तक इसकी सैलरी रखी गई है। अगला था आपका मध्य प्रदेश पोस्टल, यानी मध्य प्रदेश डाक सेवा की तरफ से 44 पोस्टमैन MTS पोस्टल असिस्टेंट, स्पोर्ट्स असिस्टेंट एंड स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी रखी गई है। ऑफलाइन इसका फॉरम है, 10वीं पास 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपके पास स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 18 से 27 साल इसके अंदर एज रखी गई है, 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई फीस 100 रुपये है, 3 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है सॉरी, और अप्लाई फीस 100 रुपये इसके अंदर, 18,000 से लेकर 81,000 रुपये पर मंथ इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। अगला था आप IIT जम्मू आपकी तरफ से आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की तरफ से वैकेंसी आ रही है, जम्मू की तरफ से 36 पोस्ट आपकी, वो मैंने पहले बता दिया आपका, आपको बता दूँ जूनियर रजिस्ट्रेशन वर्जन डिप्लोमा और ग्रेजुएशन इसके अंदर चाहिए भाई। MA BA आपका BE BTech BM ME ME Tech ये सब आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 55 साल इसके अंदर एज रखी गई है, 26 नवंबर 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अप्लाई फीस 500 से लेकर 1,000 रुपये तक है, सैलरी आपकी 27,700 से लेकर 2,15,000 रुपये तक मिलती है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 18 MTS चौकीदार, आपका इंजन ड्राइवर, फायरमैन, MT फायरमैन, सिविल, आपका मोटर ड्राइविंग होना चाहिए, अदर पोस्ट रखी गई है। 10th पास प्लस IIT कोर्स होना चाहिए, बिटवीन आपके पास 18 से 30 साल, आपके पास 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। 2 दिसंबर इसके लास्ट डेट रखी गई है। अप्लाई फीस आपका 0 रुपये है, ऑफलाइन इसके अंदर फीस रख, ऑफलाइन आपका फॉर्म रखा गया है, 18,000 से लेकर 19,000 रुपये पर मंथ तक इसके अंदर सैलरी मिलती है। अगला था आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है, जिसके अंदर 307 आपके जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है। 3 साल का आवास आपके पास डिप्लोमा और इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अभी एज लिमिट रखी गई 1940 साल, फीमेल आपका 1945 साल, लास्ट डेट आपकी 11 नवंबर एक्सपायरी डेट रखी गई है भाई, कन्फर्म इसका पता नहीं, आगे भी बढ़ सकती है। अप्लाई फीस 700 से लेकर 1,000 रुपये तक है, सैलरी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। अगली आती है आपकी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाकर भी डाल रखा है, वो देख सकते हो। 83 पोस्ट है, MTS फायरमैन, LDC कुक, चौकीदार, सिविलियन, MTA ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की तरफ से 10th और 12th पास और ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है। बिटवीन आपकी 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। SC ST सबको छूट मिलती है सभी फॉर्म में भाई, ध्यान रखना। आपको बता दूँ 29 नवंबर 2021 है, नील आपके अप्लाई फीस 0 रुपये है भाई, 10 रुपये का पोस्ट लोडर आपको लगाना है भाई। सैलरी आपकी A1 लेवल से अच्छी खासी सैलरी मिलती है भाई, एयरफोर्स में अच्छी खासी नहीं मिलती क्या। अगली आती है आपकी, अगली वैकेंसी आती है आपकी, आप कहते हैं इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल असिस्टेंट यानी IBPS की तरफ से आती है, जिसमें 1828 पोस्ट है। आपकी IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आपका जो आपका HR पर्सनल ऑफिसर, अदर्स पोस्ट की ग्रेजुएशन इन लॉ में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, PG आपके पास PG डिग्री अदर्स होनी चाहिए। बिटवीन आपके 20 से 30 साल एज रखी गई, आपकी 175 से लेकर 850 रुपये फीस रखी गई, गुड सैलरी इसके अंदर मिलती है भाई। अगली वैकेंसी आपकी आती है, ये इंडियन एयरफोर्स वाले बता दी, तो ये आपकी इतनी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी की जानकारी आप डेली मिलती रहेगी, सोमवार को सोमवार आपका, मंडे टू मंडे आपको
पूरी की पूरी वैकेंसी की जानकारी मिलती रहती है, जो आपका जॉब नोटिफिकेशन आता है उससे रिलेटेड सारी न्यूज आपको मंडे टू मंडे मिलती रहती है। तो प्लीज आप ऐसे जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी पाते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को ऑन करो, बेल आइकन बटन को ऑन करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम मेरे भाइयों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। Oh, 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 oh